मान लीजिए कि आपने एक ऐसी गोली के बारे में पढ़ा है जिससे आप चिंता कम करने लगते हैं और अपनी संतुष्टि बढ़ाने के लिए दिन में एक बार ले सकते हैं, क्या आप इसे लेंगे? आगे मान लीजिए कि गोली के कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वे सभी अच्छे हैं। आत्मसम्मान, सहानुभूति और विश्वास में वृद्धि, ये याद दस्त में भी सुधार करता है। अंततः मान लीजिए कि गोली प्राकृतिक है और इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, तो क्या आप अब इसे लेंगे? ये गोली हकीकत में मौजूद है और इसे ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सीखने में कठिन लग सकता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन केवल संत साधुओं या भिक्षुओं के लिए है, लेकिन ये सच नहीं है। इसका धर्म या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए यह सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। यह मस्तिष्क को ऐसे ट्रेन करता है मानो ग्रे पार्टिकल्स हमारे मसल्स का एक बंडल हो। आप उन मांसपेशियों पर काम करते हैं और वे मजबूत हो जाती हैं। प्रतिदिन केवल 10 मिनट का ध्यान भारी शारीरिक और मानसिक लाभ पहुंचा सकता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वास्तव में मेडिटेशन कैसे करें और उन लाभों को कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले एक स्थान चुनें, एक शांत स्थान चुनें जहां कहीं आपका कोई ध्यान नहीं भटकाएगा। मैं अपने कमरे का उपयोग करता हूं क्योंकि यह शांत है और यहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यदि आप शोर शराबे वाले माहौल में रहते हैं तो सुबह जल्दी या बिस्तर पर जाने से पहले ध्यान करें। आमतौर पर लोग सो रहे होते हैं और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। अब चुनें कि आप बैठेंगे कहाँ, कुर्सी पर, फर्श पर, आपके बिस्तर पर या जहाँ भी आप आराम से बैठ सकते हैं। मैं आमतौर फर्श पर तकिए के ऊपर बैठकर ध्यान करता हूँ। उसके बाद एक समय निर्धारित करें। शुरू करने से पहले आपको ये तय करना चाहिए कि आप कितने समय तक मेडिटेट करने वाले हैं। कई अनुभवी मेडिटेटर्स प्रतिदिन 20 मिनट के सत्र की सलाह देते हैं। एक शुरुआत के तौर पर हर दिन ध्यान करना प्रतिदिन के समय की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शुरुआत के लिए प्रतिदिन 5 मिनट का लक्ष्य रखने का प्रयास करें, या तो जब आप उठते हैं या फिर बिस्तर पर जाने से पहले। सप्ताह में 30 मिनट ध्यान करने की तुलना में प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करना अधिक फायदेमंद है। छोटी शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे हर दिन 10 या 20 मिनट तक काम करें। केवल ये तय न करें कि आपको कितनी देर तक ध्यान करना है, बल्कि ऐसा करने से पहले एक अलार्म भी सेट करें। आप समय के बारे में सोचने और अपनी घड़ी की जांच करने से बचना चाहेंगे कि क्या वे 5 मिनट बीत चुके हैं। आप देखेंगे कि मेडिटेशन के दौरान समय सामान्य से धीमी गति से चलने लगता है। तीसरा, पोस्चर या आसन। कुछ मेडिटेटर्स का कहना है कि आपके पैर कमल की स्थिति में एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए ये भी ठीक है अगर आप इसे क्रिस क्रॉस कर दें, कुछ इस तरह। अब चाहे आप कुर्सी पर बैठे या फर्श पर, ध्यान दें कि क्रॉस पैर करके बैठे। सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सिर के साथ सीधी हो। ट्रेडिशनल तरीके कहते हैं कि आपकी रीढ़ एक तीर या सिक्कों के ढेर की तरह होनी चाहिए, एक के ऊपर एक। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आप अपलिफ्टेड महसूस करना चाहते हैं। हालांकि यह अभी भी महत्वपूर्ण है कि आप आरामदायक, तनाव मुक्त हो और आपका शरीर संतुलित हो, तो इस तरह आपकी रीढ़ प्राकृतिक तरीके से आपका सारा वजन संभालती है। अपने कंधों को पीछे की ओर मोड़ने से आपको थोड़ी मदद मिलेगी। ट्रेडिशनल तरीकों के अनुसार अपने हाथों को अपनी गोद में रखें, हथेली को ऊपर की ओर रखना, अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रखना, एक कप का आकार बनाना इसमें शामिल है। हालांकि आप अपने हाथों को अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं या उन्हें अपनी बगल में लटका हुआ छोड़ सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चौथा, अपनी आंखें बंद कर लें। हालांकि खुली आंखों से ध्यान करना संभव है, लेकिन मैं इसका सुझाव नहीं देता। एक बिगिनर के रूप में आप किसी भी बाहरी दृश्य से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपको अपने दिमाग को शांत करने पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। अब जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएं, एक एंकर चुनें। एंकर वो है जिसका उपयोग आप मूल रूप से अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। आप अपने मन को इस एंकर पर वापस लाएं जब आपका ध्यान कहीं भटक जाए, और मुझे विश्वास है कि किसी भी इंसान का ध्यान कभी भी भटक सकता है। आप अपनी सांस पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप 10 तक गिन सकते हैं और इसे दोहरा सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी सांसों का ध्यान करना पसंद करता हूँ। जैसे ही सांस अंदर आती है उस पर ध्यान केंद्रित करें और इसे अपनी नाक से होते हुए अपने फेफड़ों तक ले जाएं। ध्यान दें कि प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने के साथ शरीर कैसे चलता है। सांस लेते समय अपने शरीर की गति पर ध्यान दें। अपनी छाती, कंधों, पसलियों और पेट का निरीक्षण करें। बस उसकी स्पीड या इंटेंसिटी को नियंत्रित किए बिना अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करना है। जब आपका मन भटकता है तो बस आप अपना ध्यान वापस एंकर पर लाएं। और आप अपनी सांसें गिनने का भी प्रयास कर सकते हैं। पहली सांस लेते समय एक गिने और बाहर सांस छोड़ते समय दो गिने। इसे 10 की गिनती तक दोहराएं, फिर एक से शुरू करें। जब आप देखें कि आपका मन भटक रहा है तो बस अपने स्थिर स्थान पर लौट आएं। एक को फिर से गिने और फिर से शुरू करें। ये बिल्कुल ठीक है अगर आपका ध्यान बार बार भटक भी जा रहा है तो।
हम सभी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग चिंता करते हैं कि वे ध्यान ठीक से कर रहे हैं या नहीं। आप वास्तव में इसे गलत नहीं कर सकते। ध्यान केवल आपके मन और शरीर को आराम देने की एक तकनीक है। अगर आपका दिमाग लगातार दौड़ता रहता है तो खुद से परेशान न हो। ध्यान के दौरान आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी सारी परेशानियां और चिंताएं सामने आ जाएंगी। आपको ये भी एहसास हो सकता है कि आप भूखे हैं। ध्यान का उद्देश्य सभी विचारों को रोकना नहीं है, लक्ष्य उन पर ध्यान देना, उन्हें स्वीकार करना और धीरे से उन्हें दूर धकेलना है। मूल रूप से पूरा खेल केवल ये ध्यान देने का है कि आपका मन कब भटक रहा है और बार बार अपनी सांसों पर वापस आना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो यह आपके मस्तिष्क के लिए बेस्ट वर्कआउट है। यदि आप एक बुक रीडर हैं और निम्नलिखित विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई 3 पुस्तकें अवश्य पढ़ें। हम अपनी सारी वीडियो में 3 बेस्ट बुक वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड शेयर करते हैं, जिससे आपका ज्ञान और बढ़े। अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी सजेस्टेड 30 बुक्स बिफोर योर 30s आपके लिए बेस्ट शुरुआत हो सकती है। ऐसी और रोचक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें।